जय हिंद। इस वीडियो में आज हम लोग समझेंगे पाश्चराइजेशन प्रोसेस को। एक्चुअली व्हाट इज पाश्चराइजेशन, इसको हिंदी में पाश्चुरीकरण भी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा दुकानों पे जो दूध मिलता है पैकेट में, उस पैकेट के दूध को बिना उबाले ही लोग पी लेते हैं और उससे उनको कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वो मिल्क पाश्चराइज्ड होता है। अब पाश्चराइज्ड मिल्क क्या होता है और कैसे किया जाता है, इसको हम लोग समझते हैं और पाश्चराइजेशन प्रोसेस को भी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पाश्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉयलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम द हार्मफुल माइक्रोब्स। जो पाश्चराइज्ड मिल्क होता है उसे आप ले सकते हैं, पी सकते हैं बिना बॉयल किए हुए, बिना उबाले हुए, क्योंकि उसमें जो हार्मफुल, जो आपको नुकसान पहुंचाने वाले जो सूक्ष्मजीवी होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वह बिल्कुल नहीं होते हैं। अब उस मिल्क को पाश्चराइज कैसे किया जाता है? द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 टू 30 सेकेंड्स एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर। उस दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए उसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, और उसके बाद तुरंत उसे क्या कर दिया जाता है, तुरंत उसको बिल्कुल चिल्ड कर दिया जाता है, बिल्कुल ठंडा कर दिया जाता है, और ठंडा करके उसके बाद उसको पैक किया जाता है। बाय डूइंग सो, ऐसा करने से इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ऐसा करने से उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनका ग्रोथ रुक जाता है। By doing so, it prevents the growth of microbes. ऐसा करने से उनमें जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं ना, जो माइक्रोब्स होते हैं, उनका ग्रोथ जो है बिल्कुल ही रुक जाता है। This process was discovered by Louis Pasteur. यह प्रोसेस जो है लुईस पाश्चर के द्वारा खोजा गया था, इसीलिए इस प्रोसेस को पाश्चराइजेशन बोला जाता है। उन्हीं के नाम पर इस प्रोसेस को रखा गया है, पाश्चराइजेशन प्रोसेस। तो उम्मीद है आपको पाश्चराइजेशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा और दूध को कैसे पाश्चराइज किया जाता है ये आप समझ चुके होंगे। तो आज के वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और कमेंट करिए आप किस तरह का टॉपिक चाहते हैं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा।